प्रिय दर्शकों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए और साथ ही सभी देवी देवताओं और गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आइए आज की यह वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको मूलांक दो वालों की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, अर्थात मूलांक दो वालों में क्या विशेषता होती है, क्या कमियां होती है, कैसा उनका स्वभाव होता है, अपने जीवन में उन्हें क्या करना चाहिए, कैसा उनका रहन सहन होता है, उनके स्वास्थ्य की क्या स्थिति होती है, उनके जीवन की क्या स्थिति होती है, यह सभी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब आइए ज्यादा विलम्ब ना करते हुए आज की यह वीडियो प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम आप यह देखिए कि आप मूलांक दो वाले व्यक्ति है भी या नहीं। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपने जन्म की तिथि देखिए। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 है। और अगर आपका मूलांक 2 है तो आज की यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, इसलिए आप इसे ध्यान पूर्वक देखिए। अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो मूलांक 2 वाले चंद्रमा से संबंधित होते हैं, इसलिए इनमें चंद्रमा के समान गुण तो अवश्य से दिखाई देंगे। साथ ही अगर हम 2 अंक को रोमन में लिखते हैं तो उसे डबल आई में लिखते हैं, जो हमें यह बताने की कोशिश करता है कि यह दूसरों को सपोर्ट देने वाले होते हैं, अर्थात इनमें दूसरों को सपोर्ट देने का नेचर होता है, यह इनका प्रमुख गुण पाया जाता है। कभी दूसरे को अकेला नहीं छोड़ते हैं, दूसरों का अगर कोई भी कार्य है तो उसमें उनके साथ खड़े होकर उन्हें ऐसा विश्वास दिलाकर कि आपके साथ मैं खड़ा हूँ, ऐसा विश्वास दिलाकर यह उनके साथ कार्य करते हैं और उन्हें पूरा सपोर्ट प्रदान करते हैं। दूसरों की मदद करना भी इनके स्वभाव में होता है। जिस प्रकार चंद्रमा भी देना जानता है, वो प्रकाश देता है, रोशनी देता है, शीतलता देता है, यह सब गुण चंद्रमा में पाए जाते हैं। उसी प्रकार यह भी देना जानते हैं, दूसरों की मदद करना, भले ही खुद को वह मदद करे या ना करे, स्वयं के वह काम आए या ना आए, परंतु यह अवश्य उनकी मदद करेंगे, भले इन्हें कितनी भी परेशानी का सामना करना पड़े, बाकी उनका कार्य तो यह कर रहेंगे। इसके साथ ही अगर हम देखा जाए तो मूलांक 1 वाले जो होते हैं वह डिसीजन लेते हैं, वह कार्य बनाते हैं या किसी कार्य को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उस कार्य को किस ढंग से करना है, किस तरह से करना है, उसकी सटीक प्लानिंग, इसका फैसला मूलांक 2 वाले ही करते हैं। इसलिए इनकी यह प्रमुख विशेषता है कि यह ऐसे कार्य करते दिखे गए हैं जिसमें इन्हें प्लानिंग करना हो या जिसमें इन्हें अपना दिमाग लगाना हो, अपने मन का प्रयोग करना हो, क्योंकि चंद्रमा भी मन का कारक होता है और मन का कारक होने के कारण यह भी ऐसे कार्य कर सकते हैं जिसमें इन्हें अपने मन का प्रयोग करना है, अपना दिमाग चलाना है, कोई योजना बनाना है, ऐसे कार्य यह अच्छी भली भांति तरह से कर सकते हैं। साथ ही इनमें भावना प्रधानता देखी गई है, अर्थात यह भावना प्रधान होते हैं, इमोशनल जल्दी हो जाते हैं। कई बार जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं भी देखते हैं जिससे उभर पाना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। साथ ही यह डिप्रेशन में भी जल्दी चले जाते हैं, जिससे इन्हें हालांकि बचाव करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा जो है वह हर दिन बदल जाता है, इसलिए यह भी परिवर्तनशील होते हैं, जल्दी ही अपने जीवन में भी परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके साथ ही जीवन प्रारंभ कर देते हैं। साथ ही इनके स्वभाव में भी कुछ ऐसा ही गुण दिखता है, यह जल्दी ही अपने स्वभाव से भटक जाते हैं या कह सकते हैं कि यह एक ही स्वभाव पर नहीं रहते। अभी आपसे अच्छी तरह से बात कर रहे थे तो हो सकता है कि अभी आपसे गुस्सा हो जाए, और गुस्सा भी इन्हें थोड़ी देर के लिए ही आता है, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव है शांत रहना, तो अधिकतर स्वभाव इनका इसी प्रकार का होता है, शांति ज्यादा पसंद होती है, लेकिन फिर भी कभी कभार एग्रेशन में या गुस्से में अवश्य आ जाते हैं। इसके साथ ही आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा को हर कोई पसंद करता है, वो छोटा बच्चा हो या बड़ा कोई व्यक्ति, लेखक हो, कवि हो या कोई अन्य व्यक्ति, पेंटर को भी चंद्रमा जो है वो सर्वश्रेष्ठ अच्छा लगता है। इसी के कारण यह लोग भी सभी को पसंद आते हैं, जहां पर भी जाते हैं यह लोगों के बीच अपना एक अलग ही अट्रैक्शन बनाते हैं, सभी लोग इनकी ओर खींचे चले आते हैं। इनकी जो वाणी होती है वह भी मीठी होती है, जिससे भी यह सभी को अपनी ओर खींच लेते हैं। हंसी मजाक करना और हंसी मजाक में बातें करना, ऐसे अनेकों कार्यों से इनकी और लोगों की जो अट्रैक्शन की क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाती है। सभी को प्रसन्न रखना इनके गुणों में देखा गया है। इसी के साथ हम अन्य विशेषताओं की बात करें तो इनमें यह भी देखा गया है कि यह काल्पनिक होते हैं, अर्थात कहीं न कहीं इमेजिनेशन इनके मन में चला ही करती है।
क्योंकि चंद्रमा भी मन का कारक है, तो यह कह सकते हैं कि इनके जो मन के घोड़े हैं वह हमेशा कहीं न कहीं दौड़ते ही रहते हैं, कुछ न कुछ हमेशा सोचते रहते हैं। इसके साथ ही इनमें यह भी कला होती है कि ये किसी न किसी प्रकार के आर्टिस्टिक क्वालिटी से भरे होते हैं। इन्हें डांस का भी शौक हो सकता है, पेंटिंग का शौक हो सकता है, ड्रॉइंग का शौक हो सकता है। हो सकता है कि किसी पारिवारिक कारण से या किसी अन्य लोगों के सपोर्ट ना होने के कारण से इन्हें उसे छोड़ना पड़ा हो, लेकिन फिर भी इनमें कुछ न कुछ भविष्य में भी जागता है और पूर्व में भी कोई न कोई इनके अंदर आर्ट तो रहता ही है, जिसे ये कभी न कभी तो अवश्य निकालते हैं। हो सकता है कुछ लिखने का हो, कुछ गाने का हो, डांस करने का हो, बोलने का हो, या किसी प्रकार का कोई इन्हें आर्ट हमेशा रहता है, कोई कला से यह हमेशा परिपूर्ण रहते हैं। और अधिकतर यह भी देखा गया है कि जो मूलांक दो वाले होते हैं वह अधिकतर आर्टिस्ट ही देखे गए हैं, अर्थात किसी ऐसे ही कार्यों में होते हैं जहां पर इनके कला का प्रयोग होना हो। अगर इसमें मैं कुछ नाम आपको बताऊं तो इनमें प्रमुख रूप से आप अमिताभ बच्चन को जानते हैं, शाहरुख खान को जानते हैं और माइकल जैक्सन को भी जानते हैं। यह सब कुछ प्रमुख नाम है जिनका मैं आपको बता रहा हूँ, इनका मूलांक भी दो ही है। तो इसलिए यह निकल कर आता है कि जो मूलांक दो वाले होते हैं उन्हें कला के क्षेत्र में विशेष सफल देखा गया है, और इसी में अगर आगे बढ़ते हैं तो भी इन्हें अच्छी तरह से सफलता अवश्य मिल जाती है। इसके साथ ही इनकी जो योजनाएं होती है वह अच्छी होती है, उस पर अगर यह स्वयं भी कार्य करे तो अच्छा रहता है, परंतु कई बार यह अपनी योजनाओं पर स्वयं भी कार्य नहीं करते, क्योंकि इनका जो स्वभाव होता है वह खुद के मन की करने का होता है, अर्थात जो स्वयं को अच्छा लगता है वही करेंगे, परंतु उसे भी ज्यादा समय तक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे चंद्रमा का स्वभाव होता है हर दिन बदल जाना, वैसे ही यह भी हर दिन बदल जाते हैं। आज इन्हें टाइम टेबल बनाया है कि मुझे यह कार्य करना है, तो उसे एक दिन कर सकते हैं, दो दिन कर सकते हैं, परंतु आगे जाकर उसे किसी न किसी कारण से यह छोड़ देते हैं। और इसके विपरीत अगर यह अपने जीवन में उस टाइम टेबल को बनाकर रखते हैं तो इनका जीवन सर्वश्रेष्ठ होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इनकी जो तर्क शक्ति होती है वह भी बहुत अद्भुत होती है। किसी से भी तर्क करना हो, चार के बीच में बात करना हो, तो आपको मूलांक दो वाले सबसे अलग में पहचान आ जाएंगे, उनके समक्ष कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। कुछ इसी तरह के गुण होते हैं इनमें भी। साथ ही इनमें यह भी कला होती है कि यह भविष्य में होने वाली बातों को पूर्व में ही जान जाते हैं, पूर्वाभास इन्हें हमेशा से हो जाता है, और अगर यह उसी को सच मानते हैं तो अधिकतर आप देखेंगे कि इनकी जो जितनी भी पूर्वाभास इन्हें हुए हैं वह सच भी हुए हैं। इन्हें भी कोशिश करना चाहिए कि इनके जो अंतर्मन से निकलता है उसे ही सच माने। एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ कि अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो और एग्जाम में आपके एकदम से ही कोई जवाब निकल जाए, किसी प्रश्न को देखते ही आपके मन में जवाब निकल जाए, तो आप उसे ही लिखे। अगर आप बाद में सोचने गए कि इसका जवाब ये हो सकता है या कुछ और हो सकता है, तो अधिकतर आपका वह जवाब गलत ही निकलेगा। बल्कि अगर आप यह करते हैं कि जो सीधे आपके मन में आया है, अपने जीवन में जो सबसे पहले आए, उसे अगर आप अपनाते हैं तो आपके जीवन में सदैव अच्छा रहेगा। यही आपको आपके जीवन में लागू करना है, तो आप देखेंगे कि आपकी जो विशेषताएं हैं उनमें कई गुना अधिक वृद्धि हो जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मूलांक दो वाले होते हैं उनकी शारीरिक भाषा कैसी होती है और साथ ही मानसिक भाषा कैसी होती है, आइए आपको बताता हूँ। अगर बात की जाए इनकी शारीरिक बनावट की, तो देखा जाता है कि जो मूलांक दो वाले होते हैं वह देखने में सुंदर होते हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि उनका रंग थोड़ा सा सावला भी हो, क्योंकि चंद्रमा भी अपना रंग दिन प्रतिदिन बदलते रहता है, परंतु इनको अगर देखा जाए तो दिखने में हमेशा यह सुंदर होते हैं। रंग कोई सा भी हो, काले और गोरे से यहाँ फर्क नहीं है, परंतु देखने में सुंदर होते हैं। एक अलग ही प्रकार का तेज इनके मुख से चमकता है, साथ ही यह हमेशा हसमुख स्वभाव के रहते हैं। एक स्माइल इनके मुख पर हमेशा दिखती है। थोड़ा कारण यह भी हो सकता है कि यह डिप्रेशन में भी जल्दी चले जाते हैं, तो उसके कारण इनके जो मुख में कभी कभार थोड़ा तनाव भी हमेशा देखा जा सकता है। सर पर जो लाइनें पड़ती है, तनाव की लाइनें या डिप्रेशन की लाइनें, वह भी आसानी से देखी जा सकती है, परंतु फिर भी इनका जो स्वभाव है वह आगे बढ़ने का होता है। कुछ दिन अगर यह पीछे की ओर जा भी रहे हैं तो उसे छोड़कर यह पुनः आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, यही इनके स्वभाव में होता है। और साथ ही सभी से मीठा भी बोलते हैं, तो जिससे सभी को अपनेपन का भाव लगता है। अपनापन जताने का जो भाव होता है वह मूलांक दो वालों में सर्वाधिक होता है। इसके साथ ही ये जल्दी किसी फैसले पर नहीं आते, अच्छी तरह से सोच विचार करने के बाद ही ये अपना कार्य करते हैं। इसके ठीक विपरीत जो मूलांक एक वाले होते हैं वह जल्दी फैसला कर लेते हैं, लेकिन इनमें ठहराव है,
अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही यह किसी फैसला लेंगे, किसी प्रकार का कार्य भी जांच पड़ताल करने के बाद ही करेंगे। सीधे किसी भी चीज में यह हाथ डालने में विश्वास नहीं रखते हैं। इनकी जो आंखें होती है वह बहुत चमकदार होती है, दिखने में सुंदर होती है और इनका जो खुशमिजाज स्वभाव होता है वह भी सभी को प्रिय लगता है। और इनके स्वभाव में भी ऐसा ही होता है कि जो इनके साथ जुड़ा हुआ है उन्हें भी अपने साथ आगे लेकर चले, उनका भला करें, उनके साथ अच्छी तरह संबंध बना कर रखे। हालांकि अधिकतर होता यह है कि इनसे दूसरे लोग संबंध तोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी यह दूसरों से संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अगर जो मूलांक दो को देखे तो मूलांक दो कहीं ना कहीं हमारे धन को भी बताता है और साथ ही हमारे रिश्ते और रिलेशनशिप को बताता है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो मूलांक दो वालों में इन सभी बातों पर ध्यान अधिक होता है। यह रिश्ते को भी निभाते हैं, धन को प्राप्त करने की भी पूर्ण कोशिश करते हैं। साथ ही इनमें यह भी देखा गया है कि यह किसी भी चीज को लेकर अति उत्साही रहते हैं। अर्थात कोई भी चीज, अगर कोई भी कार्य करना हो, पहली बार करना हो या बाद में करना हो, तो भी यह उसे इतने जोश और उत्साह के साथ करते हैं जैसे बहुत ही अच्छा प्रिय इनके लिए कोई कार्य हो। हालांकि यह होता है कि जल्दी ही उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि स्वभाव में यही होता है कि कोशिश करेंगे कि जो कार्य करना है उसे बहुत जल्दी अपना लिया और करने की कोशिश कर दी, लेकिन कुछ ही दिनों में या कुछ ही समय में उससे ऊब जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। यही इनका एक प्रमुख गुण भी कह सकते हैं और अवगुण भी कह सकते हैं। इसे थोड़ी सी कमी भी कह सकते हैं, क्योंकि यह कोई भी कार्य को लंबे समय तक करने की कोशिश नहीं करते, कुछ समय करा और फिर इसे छोड़ देते हैं। इसलिए इन्हें यह अवश्य से करना चाहिए कि अपने जीवन में यह उतारना चाहिए कि कोई भी कार्य करे उसे लंबे समय तक करे। अगर ऐसा करेंगे तो इनका जीवन सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। अब अगर हम इनके स्वभाव की बात करते हैं तो स्वभाव में इनके कुछ न कुछ चंद्रमा जैसे गुण दिखाई देते हैं। अर्थात यह चंचल होते हैं, जैसे चंद्रमा परिवर्तित होता है वैसे यह भी परिवर्तित होते जाते हैं। चंचल होना, अस्थिर होना इनके स्वभाव की विशेषता है। साथ ही मूड स्विंग इनका हमेशा होता रहता है, कभी खुश रहते हैं तो कभी आपको परेशान भी नजर आएंगे, परंतु हमेशा इनका स्वभाव जो है वो परिवर्तित होता रहता है। बोलने में मीठा होने के बाद भी कभी कभार इन्हें एकाएकी गुस्सा आ जाता है। और यह भी एक विशेषता है कि यह तो दूसरों के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे लेकिन दूसरे इनके लिए कुछ भी नहीं करेंगे, या कह सकते हैं कि इनके जितनी मेहनत की है इनने दूसरों के लिए उसका 1% भी दूसरे इनकी मदद करने नहीं आते। साथ ही इनके स्वभाव में यह भी देखा गया है कि यह नेचर से भी प्यार करते हैं, अर्थात प्राकृतिक की जितनी भी सुंदरताएं हैं इन्हें अपनी ओर बहुत आकर्षित करती है। इन्हें शांत रहना या कह सकते हैं किसी ऐसे स्थान पर जाना जहां पर दृश्य बहुत सुंदर हो, किसी पहाड़ आदि की चोटियों पर जाना इन्हें बहुत पसंद होता है, यात्राएं भी इन्हें पसंद होती है। साथ ही जितने भी सुंदर पक्षी है, सुंदर झरने हैं, सुंदर दृश्य है, जहां इनका मन अच्छे से लगे ऐसे सभी स्थानों को इनको जाने की और उनको देखने का मन होता है, साथ ही उन्हें यह पसंद भी होता है। कई बार जो इनका स्वभाव होता है वो बच्चों जैसा भी हो जाता है। अर्थात अगर किसी चीज को लेकर यह अपनी जिद पर अड़ गए तो इसे पूरी करवा कर ही मानते हैं। साथ ही इनका जो स्वभाव होता है अधिकतर थोड़ा नेगेटिव पक्ष अधिक होता है। अर्थात इन्हें कोशिश करना चाहिए कि अपने मन में थोड़ा सा सकारात्मक पक्ष को बढ़ा कर रखे और जो नेगेटिव विचार अधिकतर करा करते हैं उसे थोड़ा कम करें, क्योंकि यह जल्दी ही डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, जिससे अगर बचाव करेंगे तो इनके लिए जीवन पर्यंत अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मूलांक दो वाले जीवन में किस क्षेत्र में आगे बढ़े कि इन्हें जल्दी सफलता मिले, या अगर इस क्षेत्र से आगे जुड़कर काम करेंगे तो इन्हें जीवन में अवश्य से ही सफलता मिलेगी। सर्वप्रथम तो इनमें जो गुण होता है वह कला प्रेमी या फिर कलात्मक गुण वाला होता है, तो इसलिए इन्हें ऐसे ही कार्य करना चाहिए जहां इनके आर्ट की, इनके कला की प्रशंसा हो। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ड्रॉइंग करना, पेंटिंग करना, डांसिंग करना, लेखन का कार्य करना, या फिर जो भी इनसे हो सके कुछ ऐसे कार्य करेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। चंद्रमा जो है वो लिक्विड तत्व को बताता है, अर्थात तरल पदार्थ को बताता है, इसलिए तरल से संबंधित कोई भी कार्य करेंगे उसमें ठंडे कार्य भी हो सकते हैं, अर्थात कह सकते हैं ठंडी वस्तुओं का, या कह सकते हैं आइसक्रीम आदि का, कोल्ड ड्रिंक आदि का, पानी का, दूध का, या फिर लिक्विड में जो भी आता है केमिकल आदि का, यह सब कार्य यह अवश्य कर सकते हैं। और इसके साथ ही चंद्रमा जो है वो सफेद वस्तु को बताता है, तो सफेद वस्तुओं में जिसका भी यह कार्य करेंगे उसमें जल्दी ही सफलता मिल जाएगी। इसके अलावा इनकी जो वाणी होती है वह बहुत ही प्रखर होती है, तो वाणी से जुड़े कोई भी कार्य करेंगे, दूसरों को सलाह देने से संबंधित, कंसल्टेशन से संबंधित कोई कार्य करेंगे तो इन्हें जीवन में अवश्य से ही सफलता मिल जाएगी।
या फिर यह जो भी कार्य करे उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन इन्हें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर यह ऐसा करेंगे तो इन्हें अवश्य से अच्छा मन लगेगा और लंबे समय तक वह कार्य को यह अवश्य कर पाएंगे। भले ही वह छोटा कार्य करे, लेकिन कोशिश यही करना है कि उसे क्रिएटिव ढंग से कर सके, कुछ परिवर्तन करके कर सके, तो इन्हें जीवन में वह कार्य निश्चित ही सफलता देकर जाएगा। अब मैं आपको मूलांक दो वालों की, जो भाग्यशाली तिथियां होती है, भाग्यशाली वर्ष होते हैं या भाग्यशाली रंग होते हैं, उनके बारे में बताता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। सर्वप्रथम अगर बात करें तो मूलांक दो वालों के लिए, अगर कोई साथी मूलांक दो वाला ही हो तो वह सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि उनमें इनके ही समान गुण होते हैं, तो आपस में रहने में, रिलेशनशिप में भी इनसे अच्छे ही रहते हैं, इनसे किसी प्रकार की परेशानी इन्हें नहीं होती है। साथी जो अंक एक वाले होते हैं और साथी अंक सात वाले होते हैं, वह इनके लिए अच्छे रहते हैं। उनके साथ भी अगर मिलजुल कर कार्य करते हैं तो भी अच्छा रहता है, और अगर एक और सात का अंक देखे तो वह भी इन्हें लाभ देकर जाता है। या यह भी कह सकते हैं कि जब जब इनकी उम्र एक या सात पर आती है, अर्थात उसे जोड़ने पर एक आए या फिर जोड़ने पर सात आए, तो भी उस उम्र में इन्हें निश्चित ही सफलता होती है। या फिर जिस वर्ष का जोड़ने पर एक या सात की प्राप्ति हो तो वह भी इनके लिए अच्छा रहता है। अगर बात की जाए दो की, तो इनके लिए जो अंक दो है वह अच्छा भी साबित हो सकता है और बुरा भी साबित हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा दो प्रकार का होता है, हो सकता है एक अमावस्या का हो, तो हो सकता है एक पूर्णिमा का हो। इसलिए जो अंक दो है, इसे कोई भी नहीं बता सकता कि इनके लिए यह वर्ष किस प्रकार का जाएगा, या तो बहुत अच्छा चले जाएगा या फिर बहुत बुरा चले जाएगा। इसे आप अपने अनुभव से भी देख सकते हैं। आप देखिए कि जब जब जो वर्ष है उसको जोड़ने पर दो आया है, तो आपको कोई ना कोई परेशानी हुई होगी, या फिर आपके लिए वह बहुत अच्छा रहा होगा। या फिर उम्र का भी, जब दूसरा वर्ष, ग्यारहवां वर्ष, बीसवां वर्ष, उनतीसवां वर्ष, और इसी प्रकार जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो इन वर्षों में आपको हो सकता है कि लाभ भी हुआ हो, तो इन्हीं वर्षों में आपको परेशानी का सामना भी अवश्य करना पड़ा होगा। साथ ही वर्ष को जोड़ने पर जब दो की प्राप्ति होती हो, जैसे 2000, सन 2000 में हो सकता है मूलांक दो वालों को कुछ परेशानी भी हुई हो, तो किसी में उन्हें लाभ भी हुआ हो, इसी बात को मूलांक दो बताता है। इसलिए दो अंक का प्रयोग आपको सोच समझ कर करना है, यह आपके लिए अच्छा भी हो सकता है तो बुरा भी हो सकता है। इसके साथ अगर रंग की बात करें तो आपको लाइट रंगों का प्रयोग करना चाहिए, सफेद रंगों का प्रयोग करना चाहिए, जो दिखने में हल्के हो उनका प्रयोग करना चाहिए। इनमें नारंगी रंग, पीला रंग, सिल्वर रंग, क्रीम, ऐसे जो रंग है इनका अधिक प्रयोग करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। भूल कर भी आपको डार्क रंगों का प्रयोग नहीं करना है, यह आपको परेशानी में डाल सकते है। इसके अलावा अगर वर्षों की बात करें तो जब जब जोड़ने पर दो आता है, क्योंकि दो आपका दोस्त भी हो सकता है तो दुश्मन भी हो सकता है। इसलिए जब भी आपकी उम्र दो के मूलांक पर आए या वर्ष दो के मूलांक पर आए, तो भी परेशानी आपको अवश्य समझनी चाहिए। इसके अलावा जो चार का अंक है और आठ का अंक है, यह भी आपको अवश्य से परेशानी देकर जाएंगे। चार के अंक में विशेष रूप से आपको जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी अवश्य से हो सकती है, या फिर आपको किसी न किसी प्रकार की चोट आदि लगने से संबंधित परेशानी भी अवश्य से हो सकती है। किसी अपने कार्य में नुकसान आदि का भी आपको सामना अवश्य करना पड़ सकता है। इसलिए आप इन वर्षों में थोड़ी सावधानी अवश्य बरतते। अगर इनके लिए देखा जाए तो एक, दो, चार और सात, यह पार्टनरशिप में कार्य करने के लिए, विवाह आदि के लिए सर्वोत्तम अंक है। साथ ही इन्हें आठ और नौ से भूल कर भी किसी प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए, यह इनके लिए परेशानीदायक है। इनके साथ में अगर कार्य करेंगे तो किसी न किसी बात पर आपकी तूतू मेमे हो सकती है। छह और पांच का जो अंक है, यह आपके लिए समान अवस्था के है, ना आपको इनसे कोई परेशानी होगी और ना ही आपको इनसे कोई लाभ होगा। अब मैं आपको इनकी कुछ कमियां बताता हूँ, उसके बाद आपको स्वास्थ्य संबंधी क्या परेशानी हो सकती है उसकी जानकारी देता हूँ। सर्वप्रथम बात करते हैं इनकी कुछ विशेष कमियों की, तो इनमें थोड़ा सा आलसीपन देखा गया है, जिससे इन्हें बचाव करना चाहिए, क्योंकि आलसीपन से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। इनमें एक और गुण पाया जाता है कि इन्हें कोई भी कार्य करवाना हो तो इन्हें पीछे से एक कह सकते हैं धक्का देना पड़ता है, या कोशिश करके इन्हें मोटिवेट कर आगे बढ़ाना पड़ता है। कई बार इनका मन थोड़ा सा परेशान और कह सकते हैं अकेला रहने वाला या फिर उदास रहता है, इसलिए इन्हें अन्य लोगों द्वारा यह कोशिश की जानी चाहिए कि इन्हें हमेशा खुश रखे, और कोशिश यह करनी चाहिए कि इन्हें उत्साहित करते रहे, मोटिवेट करते रहे, जिससे यह अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। इन्हें किसी बात को ज्यादा देर तक नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी ज्यादा सोचने की जो प्रवृत्ति है, यह आपको कई बार परेशानी में भी डालती है, क्योंकि अधिकतर आपके स्वभाव में कुछ न कुछ नेगेटिव बातें अवश्य आ जाती है,
जिसके आपको दुष्प्रभाव अवश्य देखने पड़ते हैं। इसलिए सामुद्रिक शास्त्र में भी मूलांक दो वालों को विशेषकर कुछ ऐसी ही सलाह दी जाती है कि उन्हें अपने जो कार्य करना है उस पर ध्यान देना चाहिए, ज्यादा सोचना विचारना नहीं चाहिए, एक्शन पर जोर देना चाहिए। कोई भी कार्य करना हो तो बैठना नहीं है, जब तक वह पूर्ण न हो तब तक रुकना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसे कार्य यह करेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। इन्हें यह भी कोशिश करनी चाहिए कि यह कई बार दूसरों पर विश्वास ज्यादा करते हैं और स्वयं पर कम करते हैं, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि इन्हें स्वयं पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। इसलिए कोशिश यही करना चाहिए कि यह स्वयं की ही सुने, स्वयं की अंतर्मन की सुने तो ज्यादा इनके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं आपको इनकी कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बता देता हूं जिससे इन्हें जूझना पड़ता है। अगर बात की जाए इनके स्वास्थ्य की तो विशेषकर जो चंद्रमा है वह मन को भी बताता है, साथ ही तरल पदार्थों को बताता है। इसलिए इन्हें शरीर में तरल पदार्थ जितने भी होते हैं उनसे संबंधी परेशानी अवश्य देखी गई है, अर्थात ब्लड से संबंधी परेशानी या फिर ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो जाना, यूरिन में कोई इन्फेक्शन हो जाना, इसी तरह की परेशानी देखी गई है। स्किन पे जल्दी ही कोई परेशानी प्रारंभ हो जाती है। चंद्रमा आंखों को भी बताता है, इसलिए आंखों में परेशानी इनकी अवश्य देखी गई है। और अधिकतर चश्मा भी जल्दी ही लग जाता है, वह किसी भी कारण से लगे, परंतु परेशानी आंखों से भी इन्हें अवश्य देखी गई है। अगर महिलाओं की इनमें बात करें तो महिलाओं को गायनिक प्रॉब्लम या फिर जो मंथली प्रॉब्लम होती है उसमें अधिक पीड़ा अवश्य से देखी गई है। और इसके साथ ही गर्भाधारण के समय भी इन्हें अवश्य से ही अधिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह इनके कुछ प्रमुख परेशानियां होती है जिनसे इन्हें जूझना पड़ता है। चंद्रमा अगर देखा जाए तो नसों को भी बताता है, तो नसों से संबंधित परेशानी भी इन्हें अवश्य से देखी गई है। और साथ ही इनके पेट में या फिर डाइजेस्ट सिस्टम से संबंधित परेशानी भी इन्हें अवश्य से ही उसका सामना भी करना पड़ता है। और जब जब इनका जो वर्ष होता है वह 4 के लगभग आता है तो एक्सीडेंट और या कह सकते हैं किसी न किसी प्रकार के ऑपरेशन आदि की भी इन्हें संभावना अवश्य बन जाती है, उसका सामना भी करना पड़ता है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो इन्हें कुछ ऐसे ही परेशानियां होती है जो चंद्रमा से संबंधित हो, अगर उनसे यह बचाव कर लेते हैं तो इनके लिए अच्छा रहेगा। विशेषकर इन्हें जो बचाव करना चाहिए वह मानसिक तनाव से करना चाहिए, डिप्रेशन से करना चाहिए और साथ ही एलर्जी या इन्फेक्शन से होने वाली जो परेशानियां हैं उनसे करना चाहिए। इनसे अगर बचाव करेंगे तो जीवन भर में स्वास्थ्य जो है वह अच्छा रहेगा। अगर मैं आपको कुछ विशेष नामों की बात करूं जो मूलांक दो वाले हैं तो इनमें आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, एक और बार बताता हूं कि जो अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, माइकल जैक्सन भी है, साथ ही महात्मा गांधी भी, हिटलर भी, या कुछ ऐसे नाम हैं जिनका मूलांक दो था। और आप जान सकते हैं कि यह सभी ने अपने जीवन में कुछ अलग ही किया है, इसलिए इनका नाम भी आज तक भी जानते हैं। जैसे अगर आप देखें तो माइकल जैक्सन से बड़ा कोई डांसर आज तक भी इस पृथ्वी पर नहीं हुआ है। तो इसलिए मूलांक दो वाले जो होते हैं उनमें भी कुछ इसी तरह के गुण होते हैं, कुछ क्रिएटिवनेस इनमें अवश्य से पाई जाती है जिसे इन्हें और अधिक बढ़ाना चाहिए और उसका और अधिक लाभ लेना चाहिए, तो इनका जीवन अत्यंत श्रेष्ठ भी हो जाएगा, सही प्रकार की सुख सुविधाएं इन्हें अवश्य से प्राप्त हो जाएंगी। तो यही था मूलांक दो वालों का संपूर्ण भविष्य। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और साथ ही चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आपको ऐसी ही रोचक जानकारी इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।